अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम ये भिंडी बना रहे हैं। भिंडी टमाटर और ये प्याज भी इसमें डलेगा, और हम ये जो धनिया है ये डालेंगे, और ये थोड़ा सा जीरा ये इसमें डाल देंगे, और थोड़ी सी धनिया, और इसमें ये टमाटर ऐड कर देंगे। और ये टमाटर को थोड़ा सा हिलाएंगे, फिर ये प्याज जो है हम इसको इस तरह से कटिंग करके रख देंगे। और ये प्याज टमाटर के बाद ये प्याज डालेंगे, फिर हम जो है ये भिंडी डालेंगे, ये भिंडी फिर बाद में जाएगी। और हम इसको ये घुमाते रहेंगे, अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद कर देंगे ताकि ये गल जाएं, फिर प्याज डालेंगे, फिर ये जो है आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। अभी ये हमारे टमाटर गल चुके हैं, अभी ये थोड़े से धनिया इसमें डाल देंगे, ये तैयार हो, अभी ये गल चुके हैं, तो अभी ये नमक मिर्ची और ये हल्दी और ये धनिया ये इसमें डाल देंगे। अभी ये जो टमाटर गल चुके हैं, और अभी ये इसमें प्याज डाल देंगे, इसको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि इसमें मिल जाए टमाटर और प्याज आपस में। और अभी इसमें ये प्याज थोड़ा सा मिल चुका है टमाटर के साथ, और हम ये भिंडी डाल देंगे इसमें, और इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। अभी इसको थोड़ा सा घुमा के फिर थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद कर देंगे इसका, ताकि ये इसमें ये गल जाए, भिंडी हमारी तैयार हो जाए। और थोड़ी सी आँच हल्की कर देंगे, ये हमारी भिंडी अब तैयार हो चुकी है, इसमें पानी भी छोड़ दिया है, और अभी इसमें ये थोड़े से धनिया डालेंगे, ये गिर रहे हैं इसमें। पहले हमने इसको धनिया और जीरा का तड़का लगा के फिर टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल के फिर प्याज डालिए, प्याज को थोड़ा सा भुना,
और फिर हमने भिंडी इसमें डाल दी, और जो घर के मसाले होंगे नमक मिर्च धनिया सूखा धनिया हल्दी ये डाल दिए। अभी ये ऊपर से ये डालेंगे, हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी क्रिस्पी रेसिपी ये तैयार है। ये हमारी भिंडी भी इसमें जल चुकी है, और आपको ये हमारी वीडियो, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।